नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड की महामहिम राज्यपाल ने मेधावी छात्रों को सम्मानित कर शिक्षकों की कमी को दूर करने का दिया आश्वासन। रांची के निर्मल हृदय में बच्चों की हेराफेरी के बाद सभी अनाथालयों की जाँच हुई शुरू, राज्य सरकार को सौंपे जाएंगे रिपोर्ट। एसीबी की टीम ने चाईबासा में रिश्वत लेते मछली पालक सदस्य को किया गिरफ्तार। और कोटका में अमूल्य सिंह को शराब का विरोध करना पड़ा महंगा, शराब माफियाओं ने की हत्या। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के बहरागोड़ा में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में झारखंड के महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने 122 मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर जिले के उपायुक्त सहित सभी वरीय अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल ने उपस्थित छात्र छात्राओं सहित शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। वैसे उन्होंने छात्रों को हर क्षेत्र में महारत हासिल करने की भी बात कहते हुए कहा कि आज ऑलराउंडर का जमाना है, इसलिए सभी छात्रों को हर विषय में ऑलराउंडर बनना जरूरी है। हालांकि महामहिम ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी की बात स्वीकारते हुए कहा है कि इसको जल्द से जल्द दूर कर लिया जाएगा। वहीं महामहिम राज्यपाल ने सरकार की विकास योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बच्चों और उनके अभिभावकों को अपने करियर के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। साथ ही माता पिता को अपने बच्चों के सब्जेक्ट इंटरेस्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। हम तो सब्जेक्ट खोल देने से नहीं होता है, उसके लिए टीचर भी चाहिए। इसीलिए सब्जेक्ट खोलने के लिए हम तो तैयार बैठे हैं, लेकिन टीचर चाहिए। टीचर का प्रॉब्लम है, मुझे लगता है जो मैंने बोली कि टीचर का प्रॉब्लम बहुत जल्द ही जल्द ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप जो भी सब्जेक्ट बोले वो सब्जेक्ट अपने एरिया में आप खोल सकते हैं, लेकिन उसी के लिए फिर बच्चा चाहिए, उसी के लिए स्टूडेंट चाहिए। आप 5-6 बच्चों के लिए कोई टीचर देने से मुझे लगता है वायबल नहीं होगा। ऐसे एक प्रोग्राम बनाए हम सशक्त हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं एक सब्जेक्ट लेते हैं, एक सब्जेक्ट के अंदर सीमित रहते हैं। कोई भी एंट्रेंस जाने के पहले हम ऑलराउंडर बन। और यहाँ आपको बता दें कि रांची में मिशनरी ऑफ चैरिटी के निर्मल हृदय में बच्चों के हेरफेर की शिकायत मिलने के बाद से ही जमशेदपुर जिला प्रशासन ने भी शहर के अनाथालयों की जांच शुरू कर दी है। खासकर मिशनरी ऑफ चैरिटी के अनाथालयों की काफी सघनता से जांच शुरू कर दी गई है। इस दौरान जमशेदपुर के बारद्वारे स्थित मिशनरी ऑफ चैरिटी में जमशेदपुर CDPO, CWC, साक्षी महिला थाना प्रभारी एवं अन्य अधिकारी जाँच करने पहुंचे। वहीं सभी ने संस्थान की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रमों एवं बच्चों के रखरखाव का सारा ब्यौरा लिया। वैसे जमशेदपुर CDPO दुर्गेश नंदिनी ने साफ कर दिया है कि शहर में चलने वाले सभी अनाथालयों का ब्यौरा लेकर सरकार के पास भेज दिया जाएगा। रांची के जो मिशनरी ऑफ चैरिटी निर्मल हृदय में जो केस है कमर्शियल ये का, तो उसमें सरकार का सख्त आदेश है कि मतलब जितने भी झारखंड स्टेट में जितने भी होम्स हैं, खास करके अनाथालय है या चैरिटी से संबंधित जो भी चलाए जा रहे हैं, उसमें बच्चों के रखने के लिए नवजात बच्चे जो हैं और खासकर कुछ अडॉप्शन का वो जितने भी सारी प्रक्रियाएं हैं, और खास इसमें कोई कमर्शियल कुछ ऐसा कुछ तो हो तो नहीं रहा है, इसके संबंध में विस्तृत रूप से और गहन तौर पे जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, इनके सारे रजिस्टर्स वगैरह को भी हम लोग पंजीयन भी चेक करेंगे, देखेंगे कि ये बच्चे कुल्हान क्षेत्र में किस जिले से, किस ब्लॉक से, किस गांव पंचायत से आए हुए हैं। और यहाँ आपको बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो जमशेदपुर की टीम ने चाईबासा जिला मत्स्य प्रसार पदाधिकारी निर्मल भगत और लिपिक अर्जुन गोप को 4,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। मंझारी के मछली पालक सिद्धार्थ कुमार गोप से पांड्राशाली और बारकीमारा में मछली के बीजों को छोड़ा गया था।
जिसके वित्तीय वर्ष 2016-2017 के बिल का भुगतान के एवज में घूस मांगने की शिकायत के बाद एसीबी की टीम ने कार्रवाई की और दोनों घूसखोर अधिकारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इधर दोनों अधिकारियों को एसीबी की टीम अपने साथ गिरफ्तार कर जमशेदपुर लेकर आई। झारी निवासी सिद्धार्थ कुमार गोपू के द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो शिकायत दर्ज कराई गई थी कि जिला मतदान पदाधिकारी एवं प्रधान लिपिक के द्वारा 15 साल एवं बारकी मारा बांध के NOC एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 में जो उनके द्वारा ड्राफ्ट जमा किया गया था उसका रसीद देने के एवज में 4,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। उनके द्वारा किए गए शिकायत का SEBI के द्वारा सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान उनकी शिकायत सही पाई गई और आज निर्मल भगत मत्स्य प्रसार पदाधिकारी एवं अर्जुन गोप प्रधान लिपिक को 4,000 रुपये रिश्वत लेते हुए हम यहाँ पर रखा। और इधर बात करें पोटका की तो पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका थाना अंतर्गत तिरुलडी गांव के रहने वाले अमूल्य सिंह को उसी के गांव के कुछ दबंगों द्वारा मार डाला गया। जी हां, मृतका की पत्नी के अनुसार दबंग के अवैध शराब के धंधे का विरोध उनके द्वारा किया गया था जिस कारण से उनके पति को जान गंवानी पड़ी। बताया जाता है कि गांव में विबल सिंह नामक एक दबंग रहता है जो क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार किया करता है, साथ ही क्षेत्र में विकास के कार्य को भी अवरुद्ध करता है। पिछले दिनों गांव की महिलाओं के द्वारा दबंग के शराब कारोबार को बंद करवाया गया था और उन महिलाओं में मृतक की पत्नी भी शामिल थी। पिछले दिनों दबंग के घर में शादी समारोह था और उसी में मृतक शरीक हुआ था, जहां समारोह के दौरान ही उन्हें शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया गया और उसके बाद मृतक के मुंह से झाग निकलने लगा। आनंद फानंद में उसे इलाज के लिए MGM अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पत्नी ने इसका सीधा आरोप दबंग विमल सिंह पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि विमल सिंह के घर में शादी समारोह के दौरान ही उनके पति को जहरीला पदार्थ खिलाकर मार दिया गया है। जिन लोगों के साथ झगड़ा हुआ था ना 2 दिन पहले, उन्होंने ले गया था उसको बहला फुसला के और बहुत क्या बोलते हैं पिलाया था इंग्लिश वगैरह। उसके बाद फिर कल थोड़ा सा शाम को खाना खाए और आज फिर गया था, ये खुद से गया था जहाँ आलम का घर में शादी हो रहा है विमल सिंह के, वहाँ कुछ पिला दिया होगा तो देख के ही वो लोग भाग गया। पिला उला दिया क्या कुछ खिला दिया और बड़ा आदमी लोग जितना था मेहमान लोग भी नहीं है, घर पंगी है और क्या, गांव में वही लोग का राज चलता है। गांव में हम लोग का ना कुछ अच्छा रोड बनेगा उन लोग के चलते ना कुछ होगा, जरा शराब बंद करवाए थे ना उसी का। और बात करें सरायकेला की तो सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 21 स्थित घनी आबादी वाले आदित्यपुर बस्ती के लोग विगत 4 माह से बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। जी हां, हजारों की आबादी वाले इस बस्ती में विगत 4 महीने से भीषण पेयजल संकट ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आलम यह है कि अब आधे से ज्यादा लोगों का दिन सिर्फ पानी की जुगत में बीत जा रहा है। 4 महीने से बस्ती के लोग कभी नगर निगम तो कभी पेयजल विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। इधर इस समस्या से अविलंब निजात पाने की मांग को लेकर बस्ती के दर्जनों महिला पुरुषों ने आदित्यपुर नगर निगम के मेयर विनोद श्रीवास्तव से मुलाकात कर पानी की समस्या को दूर करने की मांग की है। बस्ती वासियों की माने तो ए से लेकर ई रोड तक रोजाना भरपूर मात्रा में पाइपलाइन से जलापूर्ति हो रही है, लेकिन HI और J रोड जहां तकरीबन 400 घर हैं वहां एक बूंद पानी भी पाइपलाइन से नहीं पहुंच रहा है। बस्ती वासियों ने साफ शब्दों में बताया है कि मुख्य पाइपलाइन में कुछ दबंग लोगों द्वारा कनेक्शन लेकर मोटर से जल दोहन करने और जबरन अवैध कनेक्शन लिए जाने के बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई है। 21 नंबर वार्ड से हम लोग आ रहे हैं जहाँ पानी का बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। कोई भैया रोज वहाँ टैंकर भेजते हैं पर बीच बीच में नहीं भी जाता है टैंकर तो बहुत दिक्कत हो जाता है। वहाँ नल सप्लाई नल का जो पानी है वो हम लोग को ठीक से दीजिए और एक बोरिंग करवा दीजिए जिससे हम लोग का पानी का समस्या दूर हो जाएगा। सर हर दिन तो हम लोग नहीं बाहर से पानी ढो सकते हैं ना, क्योंकि बच्चा भी पढ़ता लिखता है, हम लोग लाना ले जाना भी करना पड़ता है। टैंकर का तो कोई टाइम टेबल नहीं होता है, वो जब भी आ जाता है और एक दिन पानी नहीं मिले तो हम लोग को पीने का पानी भी खरीद कर पीना पड़ता है। कहते हैं कि एक PhD का HYDT है उसका मोटर खुल करके गिर गया नीचे, दूसरा मोटर जो लगाया उसका लेवल ऊपर कर दिया है, खुल करके पानी लिया पकड़ नहीं रहा, इन्हों का कहना है। दूसरी बात है कि पानी सप्लाई में कीमत का कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, इन लोगों की तरफ पर कम खोलता है या ज़्यादा खोलता है, दूसरी तरफ पर ज़्यादा खोलता है, इन लोगों की तरफ पर कम खोलता है, छुरी खोलने में प्रॉब्लम होगा,
उसकी जांच पड़ताल करके हम लोग समाधान करेंगे इस समस्या का। और इधर जमशेदपुर स्थित जिला खनन विभाग की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन शनिवार को किया गया, जिसमें तमाम पट्टेदारों के साथ विभाग ने बैठक कर उनके समक्ष आ रही समस्याओं को जाना तथा उनके समाधान का आश्वासन भी दिया। मुख्य रूप से पूरे जिले में खनन से जुड़े कार्यों में लगे पट्टेदारों के समक्ष आने वाली समस्याओं के निदान के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक के दौरान पट्टेदारों ने अपनी समस्याएं विभाग के सहायक खनन पदाधिकारी के समक्ष रखी, जिसके विभागीय स्तर पर समाधान का आश्वासन उन्हें दिया गया। वहीं इस दौरान जब मीडिया से सहायक खनन पदाधिकारी ने जिले में चल रहे अवैध खनन तथा बालू उठाव पर बात की तो उन्होंने कहा कि इस पर विभाग सचेत है। हालांकि आपको बता दें कि जमशेदपुर की कई नदी घाटों से अवैध बालू का उठाव का कार्य जोरों पर है, जबकि राज्य सरकार की तरफ से इस पर रोक है, लेकिन बेखौफ ये धंधा चल रहा है। सहायक खनन पदाधिकारी के अनुसार इसके लिए टास्क फोर्स गठित की गई है जो कार्रवाई कर रही है और लगातार शिकायत के आधार पर विभाग आगे कार्रवाई करेगी। भी जिला में पूर्वी सिंहभूम में सभी पट्टेधारी हैं, चाहे वो बृहद खनिज हो चाहे लघु खनिज हो, जितने भी हमारे डीलर लाइसेंस होल्डर हैं उनको और जितने भी हमारे ईंट भट्टेदार हैं सभी को हम लोगों ने बुलाया है ताकि उनकी मासिक समीक्षा की जा सके। उनका कार्य किस तरीके से चल रहा है, कार्य में क्या प्रगति है, उनका प्रोडक्शन किस तरीके से बढ़ रहा है, राज्य को रॉयल्टी जो आना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, उसी की समीक्षा के लिए हम लोग बैठक किए। टास्क फोर्स का देखिए सहयोग हम लोग जब जाते हैं बाहर तो सहयोग कभी कभी मिलता भी है और कभी कभी दिक्कत आती भी है, परेशानी आती है, समय अभाव कहिए या अंडरस्टैंडिंग का अभाव कहिए, इस तरीके से दिक्कत आती है तो उसको हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोऑपरेट करके काम आगे कर रहे हैं। और सरायकेला जिला खुले शौच से मुक्त जिला बन गया है। जी हाँ, इसके साथ ही जिला पूरे झारखंड प्रदेश का 10वां जिला बन गया है जो खुले शौच से मुक्त है। उपायुक्त छवि रंजन ने इस बाबत घोषणा कर सभी को बधाई दी है। उपायुक्त ने बताया है कि वर्ष 2012 में जिले के सभी लोगों को शौचालय निर्माण हेतु किए गए सर्वे के आधार पर तय किए गए लक्ष्य के अनुरूप सभी शौचालय का निर्माण पूरा कर लिया गया है। जिले के 9 प्रखंडों में कुल 131,592 शौचालय निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, जिसे पूरा कर लिया गया है। जिले में जो बेसलाइन सर्वे के आधार पर जितना लक्ष्य था लगभग 131,000 के आसपास का, उसको हम लोगों ने बना लिया है और हमारा जिला आज जो है तो पूरे राज्य में 10वां जिला है जो कि ODF घोषित किया जा चुका है। और इसके लिए मैं जिला स्तर के सभी अधिकारी, सारे BDOs, महिला सखी मंडल, स्वयं सहायता समूह, मुखिया एवं सभी जनप्रतिनिधि एवं तमाम सरायकेला खरसावा के ग्रामीण वासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। खबरों में वक्त है छुट से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। Smile Station, Laser Dental Clinic, दांतों की समस्या से मिलेगी मुक्ति विदाउट टेंशन, क्योंकि आपके शहर में अब है 32 Smile Station। दांतों की सफाई हो या फिर दांतों को हो चमकाना या बिना दर्द के दांतों को हो निकलवाना, केवल 32 Smile Station ही जाना। 32 Smile Station, a multi-specialty laser dental clinic situated at the heart of city at Palubhasa Bridge, Jamshedpur. जहां दांतों की किसी भी समस्या का है समाधान, 32 Smile Station है उसका नाम। 32 Smile Station, जहां फिक्स दांत लगाना, दांतों में चांदी भरना, सड़े हुए दांतों का जड़ तक इलाज यानी RCT अत्याधुनिक मशीन द्वारा किया जाता है। ओरल कैंसर की जांच के साथ ही टूटे जबड़े एवं ट्यूमर की सर्जरी भी आधुनिक तकनीक से की जाती है। दांतों की सड़न, मुंह से आती बदबू से मिलेगा छुटकारा। डेंटल इम्प्लांट करना हो या दांतों को क्लिप लगाकर ठीक करना, क्लिप विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्णिमा प्रतिदिन उपलब्ध हैं। टेढ़े मेढ़े दांतों से ना हो परेशान, 32 Smile Station देता है स्वस्थ सुंदर मुस्कान। दांतों की किसी भी समस्या के लिए आज ही मिले डॉक्टर VK सिंहदेव और डॉक्टर पूर्णिमा से। कदमा में है हमारी ब्रांच 32 Smile Station, KL4 opposite to auto stand, main road, Kadma. Our main branch, 32 Smile Station, Jamutar, Palubhasa, Jamshedpur. Namaskar. ईश्वर की बनाई इस दुनिया में जहाँ कुछ लोगों के पास अपार समृद्धि और धन दौलत है तो वहीं कुछ के पास सिर्फ दुख और निराशा। लेकिन इन दुखों के समाधान के लिए
ईश्वर ने कुछ दिव्य पुरुषों को हमारे बीच भेजा है जो हर तरह की समस्याओं का 100% समाधान करते हैं, जैसे नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना, वशीकरण, मुठकरणी और चौकी की शक्तियों के स्पेशलिस्ट। तो आइए जानते हैं कुछ लोगों के अनुभव। तमाम कोशिशों के बावजूद मैं अपना बिजनेस सेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज मेरा बिजनेस आसमान छू रहा है। जिस लड़के से मैं प्यार करती थी सब लोग उसके खिलाफ थे, मगर दोनों परिवारों ने हमारे प्यार को खुशी खुशी मंजूर कर दिया। शादी के 5 साल बाद भी हम दोनों पति पत्नी में हमेशा झगड़ा होता था, और आज हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश हैं। अच्छी क्वालिफिकेशन के बावजूद मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही। आज मैं दुबई में जॉब करता हूँ और अच्छा कमाता हूँ। तो देखा आपने, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो तुरंत मिले और लाभ उठाएं। गोलछा साड़ी सेंटर, गोलछा साड़ी सेंटर एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आए। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट, सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन, सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता, गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। Ideal Industrial Training Center, affiliated to NCVT, Government of India. Ideal Industrial Training Center, ITI, देता है देश व विदेश में रोजगार पाने का सुनहरा मौका। हम ट्रेनिंग देते हैं फुल टाइम एंड क्रैश कोर्सेज की। फुल टाइम कोर्सेज ITI में फिटर, इलेक्ट्रीशियन एंड वेल्डर। शॉर्ट टर्म कोर्सेज में वेल्डर, मोबाइल क्रेन, JCB, एक्सकवेटर, डोजर, पे लोडर, सेफ्टी ऑफिसर, क्वालिटी इंस्पेक्टर, पाइप फिटर एंड प्लम्बर, एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक, मिल राइट फिटर, ग्राइंडर फिटर, डीजल मैकेनिक। Ideal Industrial Training Center provides facilities like high-tech workshop and classroom, training for matric and non-matric students, plant training, apprenticeship, experienced and dedicated teachers. Sabhi training kiye hue chhatron ko NCVT, Bharat Sarkar dwara certificate diya jata hai, jo ki vishw bhar mein manyata prapt hai. Hamara pata, Ideal Industrial Training Center, Road Number 12, Jawahar Nagar, Post Azad Nagar, Mango, Jamshedpur, 15A, MS Complex, Ambagan Road, Sakchi. जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति, आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती। पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। जी हाँ, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार। कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर एस के तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। निसंतान दंपतियों की चाहत अपने रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर एस के तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक। पिछले 30 वर्षों से नंबर 1 आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। स्वस्थ तन मन निरोग जीवन।
होटल नंबर के बगल में न्यू कालीमाटी रोड साक्ची जमशेदपुर। फोन 0657-2438616, 983-555-1212, 9431-3166। प्रतिमा 8 से 20 तारीख तक। ब्रेक के बाद वापस से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के पोर्ट का सभागार में डीडी से विश्वनाथ माहेश्वरी द्वारा मनरेगा के तहत चल रहे योजनाओं को लेकर एक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें योजना को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। मनरेगा के तहत आम की बागवानी को लेकर योजनाओं को जल्द से जल्द चयन कर शुरुआत करने का निर्देश दिया गया। आम की बागवानी से किसानों को रोजगार मिलेगा। इस बैठक में डीडी से विश्वनाथ माहेश्वरी, डीआरडीए डायरेक्टर रंजना मिश्रा, उमा महतो, पोर्ट का बीडीओ पीसी दास, रोजगार सेवक जेई आदि उपस्थित थे। विजिट के बाद रिव्यू, मैं तो उधर मुसावरी चला गया था, फिर विजिट हमारी टीम की है पूरी। और फिर विजिट में हम लोगों ने मैंगो प्लांटेशन, नाडेप, बकरी सेड, ये सब सारी योजनाएं देखी हैं हमारी टीम की। और इसमें मैंगो प्लांटेशन इस बार हम लोग बहुत ज़्यादा इस पर स्ट्रेस दे रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को आम की फसल मिले, उसके साथ साथ इंटरक्रॉपिंग हो, है ना, ताकि उनको तीन साल में जो फ्रूटिंग होती है उस बीच उनको किसी भी तरह की आय में कमी नहीं। इसीलिए हम लोग पिट डिगिंग का काम बहुत तेजी से चला है और करीब करीब कंप्लीशन पर। और यहाँ आपको बता दें कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC और उद्यमी संगठन लघु उद्योग भारती के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 9 जुलाई को आदित्यपुर स्थित होटल मधुबन में एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस सेमिनार के द्वारा लघु उद्योगों के विकास और विस्तार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वर्ष 1955 में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई थी। NSIC द्वारा छोटे, मध्यम और मझले उद्योगों को सहूलियत प्रदान करने का कार्य किया जाता है। वित्तीय संसाधन, बाजार और कच्चे माल की उपलब्धता NSIC छोटे उद्योगों के लिए कराती है। इसी क्रम में आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े छोटे और मझले मध्यम उद्योगों को बड़े बाजार से जोड़ने समेत अन्य विषयों पर सेमिनार में चर्चा की जाएगी। स्कीम है उसको सफलीभूत करने के लिए, अमलीजामा पहनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये विंग है NSIC। तो 9 तारीख को NSIC की पूरी टीम, MSME के डायरेक्टर केसरी साहब जो रीजनल डायरेक्टर हैं, और बैंक्स के लोग, सिडबी के लोग, लघु उद्योग भारती की पूरी टीम, छोटे उद्योगपति यहाँ 9 तारीख को मिलेंगे। और जो जो नई योजनाएं आई हैं मेक इन इंडिया के तहत या बहुत सारी चीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लाई है उसके बारे में बताएंगे, और हम लोग कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट में भी काम आया है, तो काम आया है तो वित्तीय संस्था जो है थोड़ा टाइट है, तो कैसे NSIC मदद कर सकता है, इसको हम लोग संभावना। और यहाँ आपको बता दें कि देश के साथ जहाँ पूरे झारखंड राज्य में एक माह का नदी महोत्सव सह वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, उसी के तहत मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लोगों से अपील की है कि लोग पौधा लगाकर सेल्फी भेजें और उस सेल्फी फोटो को रघुवर दास के फेसबुक पर लोड किया जाएगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास के विधानसभा क्षेत्र बारीडी स्थित लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, जहां खरकई नदी किनारे नवविवाहिता जोड़ी ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत पौधा लगाकर की। साथ ही बच्चे और बड़े भी पौधा लगाकर सेल्फी लेते नजर आए। खरकई नदी किनारे सैकड़ों पौधे लगाए गए और लोगों ने पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण को बचाने का संदेश भी दिया। इस दौरान बच्चों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का मुखौटा पहनकर पौधारोपण किया और पौधे के साथ सेल्फी खिंचवाई। मुख्यमंत्री हमारे श्री रघुवर दास जी के महाअभियान पर्यावरण संरक्षण के तहत आज हम लोग नदी किनारे पार्क में करीब 11 पेड़ हम लोग औषधि युक्त पौधा लगा रहे हैं, ताकि पर्यावरण संरक्षण रहें। और पूरे महीना भर हम लोग मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार हम लोग ये अभियान पौधारोपण का हम लोग करते रहेंगे, ताकि पूरा माहौल जो है औषधि युक्त वातावरण बने रहे। जी, वृक्षारोपण किया जा रहा है जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे। आज क्या आपकी शादी हुई है? जी। क्या संदेश देना चाहते हैं पेड़ लगाकर? जी, वृक्षारोपण से क्या सब जगह वातावरण अच्छा रहेगा, इसी कारण से पेड़ लगाया जा रहा है सर।
और वहीं पोटका प्रखंड अंतर्गत शंकरदा में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्येक विद्यालय के टॉप 3 विद्यार्थियों को एक डायरी, एक डिक्शनरी तथा एक एक पेन देकर जिला परिषद प्रतिभा रानी मंडल द्वारा सम्मानित किया गया। बता दें कि प्रत्येक वर्ष जिला परिषद द्वारा माध्यमिक परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया जाता है, ताकि बच्चों का उत्साह बना रहे एवं बच्चे आगे भी अच्छा प्रदर्शन कर सकें, ताकि क्षेत्र का नाम रोशन हो सके। वहीं समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बीईओ मुरारी शाही, पोटका थाना प्रभारी विनोद सिंह व विद्यालय के छात्र, अभिभावकों के साथ साथ शिक्षक गण भी उपस्थित थे। स्कूल है तो उसी हाई स्कूल के छात्र टॉप 3 को हमें आज सम्मानित किया, और मैं इस ताकि उन लोग और आगे बढ़े और उन लोग को इंटरेस्ट हो पढ़ाई में और शिक्षा के प्रति जो हमारे स्तर से संभव होगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर के गोलमुरी पुलिस लाइन में पुलिस बहाली के लिए आए एक अभ्यर्थी दौड़ के दौरान बेहोश हो गया, जिसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। गोलमुरी पुलिस लाइन में पुलिस की बहाली के लिए शनिवार को प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसी दौरान एक अभ्यर्थी 250 मीटर दौड़ के दौरान ही बेहोश हो गया। बाद में 108 नंबर की एम्बुलेंस से बेहोश अभ्यर्थी को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं इस संबंध में एम्बुलेंस चालक सुभाष चंद्र मोहंती ने जानकारी दी है। सुबह 8 बजे कहाँ पर? कैंप में ऊपर। हाँ, हाँ, क्या हो रहा है वहाँ? नया बहाली हो रहा है। अच्छा, किस चीज़ का? पुलिस का शायद हो रहा है, कि जैसे को तो पता नहीं हम लोग को। अच्छा, आप लोग किससे हैं? हम लोग तो ये हैं, सरकारी वाले हैं। 108 एम्बुलेंस जी, 108 के एम्बुलेंस। कैसे, क्या हुआ है? जी वो दौड़ते दौड़ते चक्कर मार के गिर गया है। उसके बाद? बस वही, फिर वहाँ से कैंप से उठा के हम लोग ले आए। हम लोग पहले से वहाँ रेडी हैं। क्या स्थिति है उसका अभी? अभी तो उतना कुछ नॉर्मल हो गया है। और यहाँ आपको बता दें कि जमशेदपुर में महिला कांग्रेस के द्वारा शक्ति ऐप की शुरुआत की गई है, जिसकी मदद से अब महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से सीधा संवाद कर पाएंगी। बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में जिला महिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश महिला कांग्रेस की सचिव गायत्री दास एवं जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष उषा यादव मौजूद थे, जिनके द्वारा शक्ति ऐप की शुरुआत की गई। शक्ति ऐप के संबंध में जानकारी देते हुए जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष उषा यादव ने कहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा इस ऐप की शुरुआत की गई है, जिसे देश के सभी जिलों एवं राज्यों में महिला कांग्रेस के द्वारा लॉन्च कर ऐप की गुणवत्ता के संबंध में महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से अब महिलाएं जारी किए गए नंबर के आधार पर सीधे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से संपर्क कर अपनी समस्याओं को बता सकेंगी। आज हम लोग को एक बहुत बड़ा उपलब्धि के रूप में राहुल गांधी जी ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए, जो आज हम लोग के बीच में प्रकाशित हो रहा है, जिनको हम शक्ति प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। और इनका ये जो हम लोग का प्रोजेक्ट है, हमारी सारी जितनी बहनें हैं जो अपने मन को बात नहीं कर सकती है, इस प्रोजेक्ट के द्वारा वो अपने मन को बात कर सकेगी। और उसमें जैसे वो जुड़ती है, वहाँ से हमें धन्यवाद कॉल आता है कि इसमें जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी हम लोग को समस्या है हम लोग अपना बता सकेंगे। उसके लिए हम लोग को बहुत अच्छा पहल शुरुआत हुआ है महिलाओं के लिए खासकर। खबरों में वक्त है और एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जा जी भारती, 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जा जी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है, इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकान है। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया, इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले।
घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जाजी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे दोस्त ने मिर्जाजी भारती इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट, एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा, अभी अवश्य मिले मिर्जाजी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती। गोलछा रेडीमेड सेंटर पेश करते हैं हमारा नया शोरूम बाजार गोलछा, नगर पालिका बाजार नियर जुगसलाई गुरुद्वारा। गोलछा रेडीमेड सेंटर, वाजिब दाम में मिले सामान अच्छा। जी हाँ, यही तो है गोलछा रेडीमेड सेंटर। गोलछा रेडीमेड सेंटर पेश करते हैं अ यूनिक एसी गारमेंट मॉल इन हार्ट ऑफ सिटी। गोलछा रेडीमेड सेंटर, जहाँ आधुनिक फैशन और डिजाइन की हर वैरायटी उपलब्ध है आपके पूरे परिवार के लिए। गोलछा रेडीमेड सेंटर, अ मल्टी ब्रांड गारमेंट शोरूम, जहाँ आपको मिलेगा लेडीज के लिए कुर्ती, लहंगा चुन्नी, फैंसी और कामदार रेडीमेड सूट एवं सूट पीस, लेगिंग्स, जींस, टॉप, जेगिंस, ट्राउजर, टी शर्ट, शर्ट। गोलछा रेडीमेड सेंटर में मिलेगा आपको जेंट्स के लिए जींस, पैंट, ट्राउजर, शर्ट, टी शर्ट, सूट, ब्लेजर और साथ साथ दूल्हे राजा की शेरवानी। इतना ही नहीं, अगर अपने घर को देना है नया लुक और सजाना, गोलछा रेडीमेड सेंटर जरूर आना। बाजार गोलछा करे आपके सपनों को साकार, फिर देर काहे की सरकार, आज ही पधारें बाजार गोलछा। हमारा पता, पहला और दूसरा तल्ला, नगर पालिका बाजार नियर जुगसलाई गुरुद्वारा जमशेदपुर, 06572290093। आइडल कोचिंग सेंटर इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ जमशेदपुर। आइडल कोचिंग सेंटर प्रोवाइड्स कोर्सेज IITG, मेडिकल, फाउंडेशन। पेरेंट्स कृपया ध्यान दें, जो छात्र स्टैंडर्ड 7, 8, 9, 10 या फिर 11 में फेल हो गए हैं और आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं और उनका साल बेकार हो रहा है, तो आइडल कोचिंग सेंटर उनको आगे की पढ़ाई कराएगा साल बेकार किए बिना, चाहे वो किसी भी बोर्ड से करना चाहते हों, जैसे CBSE, JAC, NIOS। कोर्सेज ऑफर्ड बाय आइडल कोचिंग सेंटर, IITG, फाउंडेशन, ट्यूशन फॉर ISC एंड ICOM स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन फॉर नीट, BMT, मेडिकल, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस, ट्यूशन फॉर BSc एंड BCOM स्टूडेंट्स। वी ऑल्सो असिस्ट फॉर एडमिशन फॉर रेगुलर एंड प्राइवेट रजिस्ट्रेशन, CBSE, ICSE, JAC, NWAC एंड NIOS। प्लीज कम, हरी अप, एडमिशन गोइंग ऑन। कॉन्टैक्ट आइडल कोचिंग सेंटर, 2C लैंडमार्क टावर, ठाकुरबाड़ी रोड, आम बगान, साक्षी, जमशेदपुर। जमशेदपुर में भारत के विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री महादेव जी, जिनका कई वर्षों का ज्योतिष में अनुभव है, जो कृष्णमूर्ति पद्धति से आपका जन्म कुंडली देखते हैं, आपको सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं 100% गारंटी के साथ। मैं महादेव जी बोल रहा है, कृष्णमूर्ति पद्धति से ए विचार करते हैं, ए विचार संपूर्ण विज्ञान भित्तिक है, हमारा ए विचार से मैरिज, एडुकेशन, बिजनेस, डिसीज, मामला मुकदमा, कोई भी प्रॉब्लम आपको 100% गारंटी के साथ हम सॉल्यूशन करते हैं। मैं अनेक जटिल कैसे गेचिला, वहां किसी प्रॉब्लम नहीं है, किंतु कोनो सफल पाएंगे, जब থেকে মাধব বাবু কাছে গেছি তবে থেকে অনেক সফল লাভ হচ্ছে, আমার মেয়ে দিয়ে ছেলের চাকরি সব কিছু তো অনেক ঠিকঠাক, উনি যেভাবে প্রেসক্রাইব করেছেন সেভাবে সফল হয়েছে। मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, श्री महादेव जी के परामर्श के बाद आज मेरा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो रहा है। महादेव जी से मिले और सभी परेशानियों से निजात पाए, मिलने के लिए संपर्क करें जेमको, आदित्यपुर, साक्षी, सोनारी,
मानगो गोलमुरी मोबाइल नंबर 9874826809430 7157 30 9709052086 ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के कदमा स्थित जुस्को हाई स्कूल में फूड वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वैसे यह कार्यशाला एक निजी संस्था की ओर से आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों में केमिकल रहित सब्जियों का उत्पादन कर उसका उपयोग करना था। संस्था की ओर से ये एक अनूठा पहल किया गया है और बच्चों ने काफी तन्मयता के साथ इस टेक्नोलॉजी को जाना। वहीं स्कूल के प्राचार्य ने भी संस्था के प्रयासों की काफी सराहना की और बच्चों को इस प्रयोग को घर में भी करने की सलाह दी। वहीं स्कूल के छात्रों ने इस पद्धति का प्रचार प्रसार करने की ठानी है। बच्चे सीखेंगे कि किस तरह से वो अपना खाना स्वयं उगा सकेंगे और केमिकल फूड से दूर रह सकेंगे। और ये हमारे जुस्को स्कूल के न्यूट्रिशन हीरोज़ और एंजल ट्रेनर्स भी रहेंगे, जो दूसरे स्कूल्स में अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ये मैसेज शेयर करेंगे और भी गार्डन डेवलप करेंगे। और यहाँ आपको बताते चलें कि पुराना सीताराम डेरा की रहने वाले पार्वती बोयपाई ने उपायुक्त को आवेदन देकर एक बिल्डर पर आदिवासी जमीन को अतिक्रमित कर अवैध रूप से बिल्डिंग निर्माण करने का आरोप लगाया है। पार्वती बोयपाई का कहना है कि आदिवासी जमीन को अतिक्रमित कर बिल्डर मनोज गुप्ता अवैध रूप से उस पर बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं, जबकि इस संबंध में एसडीओ समेत जेएनएसी सीताराम डेरा थाना और एसएसपी को भी आवेदन पत्र देने के बावजूद अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमने को बहुत टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है, हमने का खपरा उठा के फेंक दिया है, पूरा बांस उस काट दिया है, आधा घर मतलब उजाड़ दिया है और हम लोग कुछ बोलने जाने से मारपीट करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, जो करना है कर लो। और कहीं भी हम लोग जाते हैं थाना में, कोर्ट में, घर आते हैं, डीसी ऑफिस आते हैं, कोर्ट में आते हैं, जो मैडम के पास वो लोग बोलते हैं कि थाना जाओ, थाना जाते हैं, थाना वाला हम लोग को भगा देता है, थाना वाला एकदम। मनोज गुप्ता कौन है? मनोज गुप्ता बिल्डर है। तो जीएनएससी का जो पदाधिकारी लोग साथ दे रहा है वो क्या जीएनएससी में है? जी जीएनएससी में नहीं है, वो बिल्डर है। बिल्डर है, वो बिल्डर है। आपका कितना जमीन है वहाँ? मेरा 3 फुट जमीन दे रहा है। अच्छा, आपका कितना जमीन है? कितना जमीन है? मेरा 30x16। और यहाँ आपको बता दें कि बिहार के आरा जिला के शाहपुर से जमशेदपुर आए एक कारीगर अमर प्रसाद उर्फ डब्बू पिछले 23 जून से लापता हैं। परिवार के लोगों ने उनके अपहरण की आशंका जताई है। परिवार के लोग शहर के सिटी एसपी प्रभात कुमार से अमर प्रसाद की खोजबीन करने की गुहार भी लगाई है। पुत्र उमेश शाह ने कहा है कि उनके पिता आरा जिले के शाहपुर से 23 जून को जमशेदपुर के गोलमुरी थाना स्थित नामदा बस्ती में हरेंद्र चौबे के घर शादी पार्टी का खाना बनाने आए थे, मगर उसी रात तकरीबन 2:30 बजे से वे लापता हैं। उन्होंने कहा है कि एक फोन पर उनके रिहाई के लिए रुपयों की मांग की गई थी, मगर अब उस व्यक्ति से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा है कि पुलिस तत्परता दिखाए तो उनके पिता सही सलामत मिल जाएंगे। सर, ये आरा जिला से आए थे यहाँ पे पूरी बनाने के लिए नामदा बस्ती में हरिंदर चौबे के घर, और सर इनका पूरा शादी का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद ये रात्रि 2:30 बजे से जो है ना कि लापता हो गया है सर। कितना तारीख है? ये जो है कि सर इनको कोई सुराग अभी तक नहीं मिला है, ना पुलिस गुमराह हम लोग को कर रही है। कल 10:30 बजे हम लोग को पुलिस बुला के, और एक लड़के ने वीडियो बात किया था हमसे मोबाइल पे, वो पैसे की बात की थी, लेकिन वो लड़के जो फ़ोन किया था वो हरिंदर चौबे का खासम खास आदमी का नंबर था,
तो कह रहे हैं कि ये सब लड़का ऐसा नहीं कर सकता है, इसकी ज़िंदगी का सवाल है। इसलिए सर मैं उस तीनों लड़के को छुड़वा दिया, लेकिन एक लड़के का नमदा बस्ती में ससुराल है, वो व्यक्ति अभी तक न पाता है, वो व्यक्ति नहीं आ रहा है, न थाने आ रहा है, न उसको थाना इंचार्ज चल रहे हैं पकड़ने के। और यहाँ आपको बताते चले कि सरायकेला थाना अंतर्गत बोर्ड डी में एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर उसे आत्महत्या का रूप देने को लेकर शव को रस्सी के सहारे लटका दिया। वहीं सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी पति संजय महतो को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के पिता रंगलाल महतो ने बताया है कि उनकी बेटी की हत्या उनके दामाद ने ही की है, वह अक्सर उसकी बेटी को पीटता भी था। उन्होंने पुलिस से आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की भी मांग की है। सरायकेला थाना प्रभारी रणविजय सिंह ने भी बताया है कि यह हत्या का मामला है तथा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आगे मामले की छानबीन की जा रही है। हाँ, मेरा लड़की को बड्डी गांव में 2005 में शादी कर दिया था, वो शुरू से मारपीट कर रहा था, लेकिन आज हमको दोपहर में पता चला, खबर मिला तो आके देखा कि वो लोग, वो देखने से लगा कि वो मार के उसको गिराया हुआ, मर्डर किया हुआ, वो फांसी केस नहीं है, वो खाली बोल रहा रस्सी लटका दिया, बोल रहा कि ये फांसी लगा के मर गया, लेकिन वो तो लटका हुआ नहीं था, जमीन में गिरा हुआ था, वो मर्डर कर दिया। शंकर महतो अपनी पत्नी को पहले भी मारपीट करता था, वो जो है सो गला दबा कर उसकी हत्या कर दिया है और फांसी का रूप जो है सो क्या है, इस पर हम लोग तत्काल जो है सो उसे गिरफ्तार कर थाना ले आए हैं और इसमें अनुसंधान जारी है, आगे भी जो है दिशा निर्देश प्राप्त होगा हम लोग करेंगे। और यहाँ आपको बता दें कि जमशेदपुर में शिक्षित बेरोजगार टेम्पो चालक संचालक संघ के द्वारा चूना शाह बाबा के सालाना उर्स के अवसर पर चादर पोशी कर लोगों के बीच में लंगर का वितरण किया गया। साक्षी गोलचक्कर के सामने गोलमुरी टेम्पो स्टैंड में शिक्षित बेरोजगार टेम्पो चालक संचालक संघ के द्वारा चूना शाह बाबा के 49वें सालाना उर्स के मौके पर चादर पोशी एवं लंगर का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता एवं कई टेम्पो चालक मौजूद थे। मुख्य अतिथि के हाथों लोगों के बीच लंगर का वितरण किया गया। इस संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि टेम्पो चालक भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है, जहां सभी धर्म के लोग अपने पर्व त्योहारों के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन कर अपनी संस्कृति को दूसरे तक पहुंचाते हैं, जो देश की एकता को दर्शाता है। देखिए, हमारा टेम्पो चालक संघ जो है वो सभी धर्म और जाति का सम्मान करता है और हमारा ही एक ऐसा संगठन है जो सर्वधर्म संभाव पर विश्वास करता है, चाहे वो दिवाली हो, दशहरा हो, गुरु पर्व हो, चाहे वो चूना शाह बाबा का उर्स हो, चाहे ग्यारहवीं शरीफ हो, हम सारे लोग मिलकर सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि हमारा ही एक ऐसा संगठन है जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, बनिया, अगड़ा, पिछड़ा सभी लोग मिलकर, सभी लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। और इधर पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय खां के नेतृत्व में जिला कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने कांग्रेस नेता फिरोज खान के आवास पर पहुंचकर उनका अभिनंदन किया। कांग्रेस नेता फिरोज खान के जेल से छूटने के बाद से ही उनके आजाद नगर रोड नंबर 1 स्थित आवास पर पहुंचने वालों का सिलसिला जारी है। शनिवार को कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय खां के नेतृत्व में जिला कमेटी के एक प्रतिनिधि मंडल ने बिरुख फिरोज खान के आवास पर पहुंचकर फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड की महामहिम राज्यपाल ने मेधावी छात्रों को सम्मानित कर शिक्षकों की कमी को दूर करने का दिया आश्वासन। रांची के निर्मल हृदय में बच्चों की हेराफेरी के बाद सभी अनाथालयों की जांच हुई शुरू, राज्य सरकार को सौंपे जाएंगे रिपोर्ट। एसीबी की टीम ने चाईबासा में रिश्वत लेते मछली पालक सदस्य को किया गिरफ्तार। और कोटका में अमूल्य सिंह को शराब का विरोध करना पड़ा महंगा, शराब माफियाओं ने की हत्या। तो इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।